हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय। एक बार फिर स्वागत है आपका एक और कमाल की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 कट ऑफ के बारे में, जो जारी कर दी गई है रीसफल रिजल्ट के बाद। पूरी जानकारी लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए लास्ट तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि आपको मिले हर वीडियो की जानकारी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायत राजस्थान बीकानेर के बारे में। इस बोर्ड ने जारी की है एक कट ऑफ, जो जारी हुई है 22/12 को, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018। यानी कि यह है गैर अनुसूचित जाति यानी कि नॉन टीएचपी क्षेत्र की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है तृतीय श्रेणी अध्यापक और ये है अंग्रेजी विषय की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 21/12/2018 को आया था रीट रिसफल रिजल्ट, इसके बाद में बोर्ड ने जारी कर दी है ये कट ऑफ। जैसा कि आप पढ़ सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी और ये है नॉन टीएचपी एरिया की। 9000 से भी अधिक पदों पर भर्ती हुई थी, लेकिन वहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा सत्यापन नहीं करने के कारण वहाँ पर रिक्त रहे पदों पर दोबारा से रिसफल परिणाम जारी कर वहाँ पर कट ऑफ जारी की गई है। हम बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में, तो थोड़ा नीचे चलते हैं हम वीडियो पर। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी वालों की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों की मेल और फीमेल की कट ऑफ गई है 67.69 और यहाँ पर इनकी डीओ भी दे रखी है 15/1/94। इसके नीचे बात करते हैं हम ओबीसी वालों की, यहाँ पर मेल और फीमेल की है 65.82 और यहाँ पर बात करते हैं डीओबी की, तो 6/4/91 यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दी गई है बोर्ड द्वारा। इसके बाद में एमबीसी का नंबर आता है, तो हम एमबीसी की बात करते हैं, मेल और फीमेल की कट ऑफ गई है 64.79 और यहाँ पर डीओबी आती है 2888। इसके बाद में एससी की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेल और फीमेल की बात करते हैं तो 61.56 और डीओबी है 15/1/86। इसके बाद में यहाँ पर बिड और डिवोर्स के भी हर प्रकार के आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं एसटी की, तो यहाँ पर मेल और फीमेल की बात करें तो 55.88 यहाँ कट ऑफ गई है, यानी कि बहुत कम कट ऑफ है ये। उनकी डीओबी है यहाँ पर 14/7/83। इसके बाद शहरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एनए है, यानी कि कुछ भी नहीं बताया गया है। यहाँ पर थोड़ा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है पीएच कैटेगरी। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पीएच कैटेगरी वालों की यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर दो भागों में इसको डिवाइड किया है एलडी और बीएल में। तो यहाँ पर हो यहाँ पर 59.53, 54.42 यहाँ दे रखी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ दे रखी है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और यहाँ पर साफ लिख रखा है दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की प्रोविजनली सूची एवं जिला आवंटन की सूची प्रत्यक्ष विभागीय वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। ये रही बात हमारे साथ, ये पूरी जानकारी ओनली नॉन टीएसपी वालों की है। इसके बाद हम बात करते हैं टीएसपी क्षेत्र वालों की, तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं। बात करते हैं पहले जनरल कैटेगरी वालों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेल और फीमेल की है कट ऑफ 60.83। उसके बाद में इनकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 7/9/88। एससी की हम बात करें तो मेल और फीमेल की कट ऑफ गई है पर 56.24 और डीओबी है 26/7/87। इसके बाद में यहाँ पर टीएसटी नाम से कॉलम और दिया हुआ है, तो यहाँ पर इनकी है 38.94 और डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हो ये है। इसके बाद में हम बात करते हैं विकलांगों के लिए, तो यहाँ पर विकलांगों को वही दो भागों में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर इनकी कट ऑफ भी आप देख सकते हो 45.29 है और यहाँ पर इनकी डीओबी भी लिख रखी है। तो इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर ये सूची जारी कब की जाएगी और कहाँ की जाएगी, तो इसके लिए दे रखा है दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की प्रोविजनल सूची जिला आवंटित की सूचना प्रत्यक्ष विभागीय वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है बोर्ड की, यहाँ पर आप जाकर इसका अवलोकन करते रहे। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या विभागीय वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको मिले हर वीडियो की जानकारी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।